अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ मंगल को इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का आज सुबह फिर तफसीली मुआयना किया और नवाज शरीफ को सफर के काबिल बनाने के लिए आपस में सुलह मशवरा किया। इनका कहना था कि नवाज शरीफ को स्टेरॉइड की हाई डोज देने का अमल जारी है ताकि इनके प्लेटलेट्स की मकदार सफर के काबिल हो सके। नवाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से शेख रशीद क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दिए जाने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि डील हुई है और ना ढील, अदालत ने फैसला किया है। शेख रशीद ने रावलपिंडी से अटक जाने वाली सफारी स्टीम इंजन ट्रेन की इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अच्छा हुआ जान छूट गई। एक महीने से नवाज शरीफ टीवी स्क्रीन पर थर्मामीटर की तरह फंसे हुए थे, प्लेटलेट्स स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे हो रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर शेख रशीद का कहना था कि अदालत ने दोनों की लाज रख ली, हुकूमत की डील के इल्जाम से जान छूट गई, जबकि इंडेमनिटी बॉन्ड न भरने से नवाज शरीफ की नाक भी रह गई। सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला सक्कर के कारकुनान की बड़ी तादाद ने मरकजी कॉल पर लाड़काना डेंटल कॉलेज में मुबैना कत्ल होने वाली डॉक्टर निमरता कुमारी के कत्ल में मुलविस मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सक्कर प्रेस क्लब के सामने दूसरे रोज भी अलामती भूख हड़ताल का आगाज करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सक्कर पुलिस का शाहबेलू कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों जारी है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान सख्त फायरिंग का तबादला, डाकुओं की कई महफूज पनागाहें नजरे आते। तफसीलात के मुताबिक सक्कर पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, सक्कर पुलिस ने शाहबेलू कच्चे में डाकुओं के दर्जनों महफूज पनागाहें चौकियां नजरे आतिश कर दी। पुलिस की जानिब से कच्चे के इलाके में मजीद पिकेट्स कायम कर दी गई। मेलसी शब्बीर ऑक्सफोर्ड स्कूल के बच्चों का तफरीही व मालूमाती दौरा मुल्तान, निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां जरूरी हैं। प्रिंसिपल वसीम शब्बीर के मुताबिक मेलसी शहर में कायम शब्बीर ऑक्सफोर्ड स्कूल के तुलबा व तालबात का एक रोजा तफरीही और मालूमाती ट्रिप गुज़िश्ता रोज मुल्तान आया, जहां पर बच्चों ने मुल्तान का तारीखी किला और औलिया इकराम के मजार, इसके साथ साथ इन बच्चों ने मुल्तान शहर के तारीखी मुकामात की सैर भी की। नए पाकिस्तान में बच्चे भी समझ गए हैं कि क्या महंगाई का आलम है। सब्जियों की कीमतें पूरे मुल्क में आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में महंगाई से परेशान एक बच्ची ने टमाटर की कीमतों पर तंज किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तफसीलात के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से सब्जी अब गरीब की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। बच्ची ने टमाटर की बढ़ती कीमतों पर जबरदस्त वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कमसिन बच्ची ने टमाटर का हार गले में पहना और कहा कि कई दिनों की खर्ची जमा करके टमाटर खरीदना पड़ते हैं। हाथ जोड़कर महंगाई खत्म करने का मुतालबा भी किया। बच्ची का वीडियो में कहना था कि अल्लाह तौबा तौबा, इमरान खान साहब पहले तो हम सोने का हार पहनते थे, अब तो टमाटर का हार पहनते हैं, थोड़ा तो हम पर रहम कर लें, अब ये देखो टमाटर भी आपने महंगे कर दिए। बच्ची का मासूमाना अंदाज में कहना था कि पहले मम्मा टमाटर सालन में डालती थी, अब हमें एक एक रुपया जमा कर कर ये टमाटर खरीदने पड़ रहे हैं। बच्ची का मजीद कहना था कि आप तो कहते थे गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, लेकिन आपने क्या किया, रिलीफ फराहम किया, थोड़ा तो हम पर रहम करें। इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल जेडी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती आरा हमें भेजते रहिए।